एवरीवन वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या लोजी। आगे श्रेया और रिद्धि की ये क्यूट सी लव स्टोरी लेके। तो श्रेया और रिद्धि के पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने देखा था कि श्रेया और रिद्धि दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अब आगे श्रेया की आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे होते और श्रेया को इतना इमोशनल देख के रिद्धि भी इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस करते करते दोनों का किस इंटेंस होता है और डीप होता है और दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। अब ये इन दोनों के बीच में जो सैडनेस है ना, दोनों के इन दोनों के इतने क्लोज आने से ना वो कुछ अलग ही लेवल पे जाने लगता है। इन दोनों को पता ही नहीं चल रहा होता और ये दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं इमोशन में बह के। तभी श्रेया धीरे से रिद्धि के ये कंधे के बाल साइड करती है और उसके नेक में धीरे धीरे से किस करने लगती है। ये किस रिद्धि को भी बहुत अच्छा लगता है। वो श्रेया को रोकना ही नहीं चाह रही होती, जैसे श्रेया में वो खो जाना चाहती है और रिद्धि भी सेम उसको किस करने लगती है। किस करते करते ये दोनों का किस थोड़ा किस से आगे बढ़ने लगता है। अब ये दोनों एक दूसरे के नेक पे ईयर पे किस करने लग रहे होते हैं बेतहाशा। दोनों एक दूसरे को झूम रहे होते। किस करते करते श्रेया रिद्धि के टी शर्ट भी उतार देती है और उसको पेट पे धक्का दे देती है। रिद्धि भी इतनी इमोशनल होती है कि वो श्रेया को रोक ही नहीं पाती उस पल में, क्योंकि इन दोनों का किस अब इतना ज़्यादा इंटेंस हो गया होता है ना। ये दोनों इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होने के बाद ना आप खुद को रोकने की हालत में तो होते ही नहीं है। इसीलिए श्रेया जैसे ही रिद्धि को धक्का देती है, रिद्धि भी कुछ नहीं बोलती और श्रेया उसके ऊपर आ जाती है और उसको फिर से बेतहाशा चूमने लगती है। उसको चूमते चूमते उसके इनर भी रिमूव कर दे देती है और उसके पूरे बॉडी को चूमती रहती है और ऐसे दबाती रहती है। रिद्धि को भी अब फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आने लगी होती है। उसको भी उसकी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो श्रेया को नीचे लाती है खुद के और वो उसके ऊपर आ जाती है और एक एक करके उसके सारे कपड़े उतारने लगती है और वो भी उसको बेतहाशा चूमने लगती है। कभी उसके लिप्स पे बाइट, कभी अपर लिप्स, कभी लोअर लिप्स, कभी ईयर, ऐसे उसको चूमती रहती है। और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के और क्लोज आते जाते हैं। श्रेया बोलती है रिद्धि धीरे प्लीज, तो रिद्धि बोलती है आई कांट स्टॉप माई सेल्फ और वो ऐसे चूमती रहती है उसको। चूमते चूमते वो भी उसके सारे ड्रेस रिमूव कर देती है, कभी उसके अपर बॉडी, कभी पूरे बॉडी को ऐसे चूम रही होती है आगे पीछे करके। तो श्रेया थोड़ी सी शर्मा जाती है और बेड से उठने लगती है। तभी रिद्धि उठती है, श्रेया को पीछे से हग कर लेती है और उसके बैक में चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ टर्न होते हैं और फिर से एक दूसरे के लिप्स में चूमते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को बेतहाशा प्यार करने लगते हैं। ना श्रेया को पता हो रहा होता है, ना रिद्धि को पता हो रहा होता है, बट वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा खो गए होते हैं ना कि एक दूसरे के लिमिट ही भूल जाते हैं और एक दूसरे को ऐसे बेतहाशा प्यार कर रहे होते, झूम रहे होते, छू रहे होते। ऐसे ही पूरी रात एक दूसरे को प्यार करके ना टूट के बेड पे लेट जाते हैं। और जैसे ही इन दोनों को रियलाइज़ होता है ना थक हार के इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, तो वो दूसरे दूसरे तरफ से मुंह करके सो जाते। अगले दिन सुबह रिद्धि जैसे ही उठती है ना, वो देखती है कि श्रेया उसके बाजू में सोई है। वो ऐसे देख के श्रेया को उसको रात की पूरी बात याद आती है और उसको अपने दिल में ना अंदर से एकदम गिल्ट होने लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसे बोल के उठ के डायरेक्ट वो वॉशरूम में चली जाती है और वो शावर ऑन करके तो शावर के नीचे बैठी रहती है और सोचती रहती है कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैंने अपने भाई के प्यार के साथ पूरी रात कैसे गुजार दी। ऐसे वो सोच के बस रोई जा रही होती है, रोई जा रही होती है। और इधर श्रेया एकदम स्माइल उसके फेस में और वो एकदम सुकून की नींद सो रही होती है। और उधर रिद्धि है कि रोई जा रही होती है, उसका समझ नहीं आ रहा होता। वो ऐसे नहाते नहाते खुद को ऐसे आईने में देखती है तो उसके पूरे बॉडी पे श्रेया के लव के निशान होते हैं, उसके लव बाइट होते हैं जगह जगह। वो उन सब चीज़ को देख के ना उसको खुद के ऊपर घिन आ जाती है। बोलती है नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आई एम सॉरी भाई, आई एम रियली सॉरी, मैं आपकी गुनहगार हूँ, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम आई एम रियली सॉरी भाई। ऐसे बोल के वो बहुत रो रही होती है अंदर ही अंदर, और वॉशरूम में बाहर ही नहीं आती।
वो बस शावर ऑन करके ना बस बैठी रहती है और रोती रहती है। थोड़ी देर बाद श्रेया का भी नींद खुलता है तो वो बहुत खुश होती है अगले दिन सुबह उठ के। वैसे उसको ऐसा लगता है कि रिद्धि ने भी उसका प्यार एक्सेप्ट कर लिया, अब उन दोनों के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। ऐसे एकदम फ्रेश फ्रेश होके उठती है और जैसे उठ के खुद को देखती है ना आईने के सामने, उसके पूरे बॉडी पे रिद्धि के लव्स के मार्क्स होते हैं और उन सारे मार्क्स को देख के उसको छूती है और वो महसूस कर रही होती है। और वो कल रात की बात को याद कर रही होती है कि कैसे रिद्धि ने उसको किस किया था, कैसे वो पूरी उसके बॉडी को झूम रही थी, कैसे बाइट कर रही थी एक दूसरे को। और ये चीज़ देख के श्रेया को बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये वाली फीलिंग्स ना उसको कभी यश के साथ भी नहीं आई होती। जो सुकून, जो परफेक्ट, जो कंप्लीट वाले फीलिंग उसको रिद्धि के साथ आई होती है। और वो उन सब चीज़ों को देख के ना ऐसे बस बैठ जाती है। वो देखती है चारों तरफ रिद्धि होती नहीं है, तो वो देखती है कि रिद्धि, आई गेस रिद्धि नहा रही है क्योंकि वॉशरूम का टैप तो ऑन है। ऐसे सोच के वो बाहर ही बोलती है, रिद्धि आने दो ना मुझे, मैं भी नहाऊंगी, रिद्धि खोलो ना दरवाजा, ऐसे बोलती है। तो रिद्धि फिर भी नहीं खोलती, रिद्धि तो बस रो ही जा रही होती है शावर ऑन करके। और दूसरी तरफ श्रेया उसको बड़े प्यार से बुला रही होती है तो रिद्धि नहीं खोलती। तो श्रेया खुद ही किचन में चली जाती है और दोनों के लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स लेके आ जाती है। तब भी देखती है कि रिद्धि अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं निकली, तो बोलती है, रिद्धि क्या हुआ, दरवाजा खोलो, इतनी देर कौन नहाता है, मुझे भी नहाना है बाबा, और देखो मैं गरम गरम कॉफी और कुछ स्नैक्स लाई हूँ, चलो ना आओ, मुझे भूख लग रही है, मैं थकी हुई हूँ यार, क्यों परेशान कर रही हो मुझे, ऐसे बोलती है और बेड में बैठ के कॉफी पीने लगती है। बट रिद्धि है कि बाहर ही नहीं आ रही होती है। श्रेया ऐसे, श्रेया का तो कॉफी भी खत्म हो गया होता है और वो फिर से थोड़ी देर बैठी होती है। वो ऐसे देखती है कि 2-3 घंटा हो गया बट रिद्धि रूम से बाहर आ ही नहीं रही है वॉशरूम से। तो अब श्रेया को भी घबराहट होने लगती है और वॉशरूम के बाहर जाती है और जोर जोर से दरवाजा मारने लगती है, रिद्धि दरवाजा खोलो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, आर यू फाइन, और इतनी देर से पानी चल रहा है, तुम कर क्या रही हो अंदर, ऐसे बोल के वो जोर जोर से दरवाजा मारने लगती है। उसके ऐसे दरवाजा नॉक करने से रिद्धि को भी थोड़ा सा ऐसे सेंस आता है, बट वो जैसे ही श्रेया की आवाज़ सुनती है उसके दिल में और ज्यादा गिल्ट आता है और वो और ज्यादा रोने लगती है और बोलती है, आई एम फाइन, आई एम फाइन श्रेया, मैं ठीक हूँ, मैं निकल रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से, ऐसे रोने वाली आवाज में कहती है। तो ये बस उनके श्रेया एकदम घबरा जाती है, बोलती है, रिधि रिधि आर यू फाइन, तुम रो रही हो अंदर, बच्चा तुम ठीक हो ना, आर यू फाइन, क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो इतना, क्या क्या हुआ, तुम दरवाजा खोलो, तुम अभी खोलो, ऐसे बोल के और ऑन नॉक करने लगती है। तो श्रेया के इतने नॉक करने से रिद्धि को भी थोड़ा सा सेंस आता है और वो टावल लपेटती है और रूम से बाहर आने लगती है और उसके पूरे आंख रेड रेड होके सूजी हुई होती है, जैसे कि वो बहुत देर से बैठ के बस रो रही थी शावर के नीचे। और उसकी ना इतनी हालत ख़राब हो रही होती है इतने टाइम से पानी के अंदर बैठने के वजह से कि उसके पूरा हाथ पैर ना पानी लगने से जैसे सूज गई होती है, ऐसा टाइप हो गई होती है। जैसे ही रिद्धि बाहर आती है श्रेया उसकी हालत देख एकदम घबरा जाती है और वो अलमारी से एक सूखी हुई टावल लाती है और रिद्धि को पोंछने लगती है उसको बिठा के। तो रिद्धि बोलते हैं, श्रेया आई एम फाइन, तुम हटो ना, दूर हटो मुझसे, मैं कर लूँगी। तो श्रेया बोलती, पागल हो गई, रिद्धि हालत देखी है अपनी, क्या हालत कर रखा है तुमने, और तुम कितने देर से नहा रही थी, और ऐसा क्या हो गया रिद्धि जो तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। तो श्रीधि को बहुत गुस्सा आता है श्रेया पे और बोलती, तुम हटो ना यार, मैं खुद को मैनेज कर सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं, ऐसे बोल के रिद्धि को खुद से दूर, रिद्धि श्रेया को खुद से दूर कर देती। तो श्रेया बोलते, मैं नहीं हटूंगी, ऐसे बोल के उसके बाल पोंछने लगती है। तो रिद्धि में इतनी ताकत होती ही नहीं है क्योंकि वो इतनी देर से पानी में बैठी थी तो उसके पूरे बॉडी में बुखार चढ़ने को होता है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो श्रेया से लगे। जब श्रेया उसकी पूरी बॉडी को पोंछ रही होती है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि रिद्धि का बॉडी तो बड़ा तप रहा है, और वो ये चीज़ देख के एकदम घबरा जाती है और बोलती है, रिद्धि आर यू फाइन ना, तुम ठीक हो, हम डॉक्टर के पास चले, तुम ठीक हो ना। तो रिद्धि बोलते, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं मैनेज कर सकती हूँ सारी चीज़ें,
मैं मेडिसिन खा लूंगी, ठीक हो जाऊंगी थोड़ी देर में, ऐसे बोल के वो श्रेया के ऊपर गुस्सा कर देती। तो श्रेया उतना कुछ नहीं करती और रिद्धि का बाल बाल पोंछ के ट्राई करती है और उसको बेड में लेटा देती है। इस रिद्धि का इतना ज्यादा बुखार उस पर चढ़ा हुआ होता है कि वो थोड़ी देर में सो जाती है। तो श्रेया देखती है कि रिद्धि एकदम बेहोश होके सो रही है, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो यशिका को कॉल लगाती है और बोलती है देखो रिद्धि की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है, तुमको डॉक्टर को कंसल्ट करो ना यार, कुछ तो करो, ये तो उठ भी नहीं रही है, मैं इसको उतनी देर से उठा रही हूँ, ऐसे सारी प्रॉब्लम शेयर करती है। तो यशिका भी एक डॉक्टर लेके रिद्धि के घर चली आती है। डॉक्टर जैसे ही आता चेक करता है, बोलता है तुम इसको इतना बुखार कैसे आ गया? हाँ, उन्हें लगता है रात भर किसी चीज़ में पानी में बैठी हुई थी क्या, ये इनको हुआ क्या है, ऐसे वो क्वेश्चन पूछने लगती है। तो श्रेया को तो कुछ इतना पता नहीं होता, बोलती मुझे नहीं पता इतना, बस वो नहा रही थी बहुत देर से। तो डॉक्टर बोलता है ये पागल हो गई है क्या, इतनी देर से कौन नहाता है, इनके नहाने की वजह से ना इनको बुखार हो गया ये, तो वो ऐसे बहुत सुनाते हैं श्रेया को और मेडिसिन लिख के देते हैं और बोलते हैं इनके ठंडे पानी से पट्टी करो जल्दी, नहीं तो इनका बुखार ना सर पे चढ़ जाएगा। तो श्रेया भी बहुत घबरा जाती है और पट्टी करने लगती है। डॉक्टर मेडिसिन वगैरह सब लिख के वहाँ से चले जाते हैं। यशिका बोलती है मैं यहाँ पे रुकूँ, तुमको कोई हेल्प चाहिए तो मैं करती हूँ, ये सब ऐसे बोलती है। तो श्रेया बोलती है नहीं, कुछ ज़रूरत होगी तो मैं तुमको कॉल कर दूंगी, तुम जाओ तुम रेस्ट करो, ऐसे बोल के वो यशिका को भी वहाँ से भेज देती है। और श्रेया के पास एक टक बैठ, रिद्धि के पास एक टक बैठ के ना, जैसे एक टाइम पे रिद्धि उसकी जैसे सेवा कर रही थी ना बच्चों जैसे, श्रेया भी वो करने लगती है, ऐसे बार बार पट्टी बदल रही होती। थोड़ी देर बाद थोड़ी थोड़ी ना रिद्धि को होश आती है, बट वो उठने की हालत में नहीं होती है। तो श्रेया बोलती है तुम मत उठो, ऐसे बोल के वो जाती है किचन में दौड़ के कुछ सूप बनाती है, लाती है उसको पिलाती है, फिर दवाई खिलाती है। तो रिद्धि बोलती है तुम हटो ना यार, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो श्रेया बोलती है चुप करो एकदम चुप, और तुमको हुआ क्या है रिद्धि, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? तो रिद्धि बोलती है कुछ भी नहीं श्रेया, तुम दूर हटो मुझसे, बस मुझे तुम अपने इतने पास नहीं चाहिए। तो श्रेया बोलती क्यों बाबा, क्या कर दिया ऐसा मैंने? तो रिद्धि बोलती है तुमने कुछ नहीं किया, जो किया है मैंने किया है, सब मेरी गलती है, मुझे खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। तो श्रेया बोलती क्या हो गया बोलोगी? तो रिद्धि इतनी ज़्यादा वो होती है कि वो उसको बोला भी नहीं जाता, तो वो फिर से ऐसे लेट जाती है। श्रेया बहुत ज़्यादा गुस्सा वुस्सा करके रिद्धि को सूप पिला के मेडिसिन खिला देती है और रिद्धि सो जाती है। रिद्धि का बुखार ऐसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, ऐसे एक दिन चला जाता है, अगले दिन भी सेम वही कंडीशन होता है, और तीसरे दिन थोड़ा थोड़ा ठीक होता है। रिद्धि जैसे ही थोड़े से ठीक होती है ना, श्रेया को बोलती है श्रेया तुमको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो श्रेया बोलती है क्या, तुम क्या बोल रही हो, समझ पा रही हो ना? तो रिद्धि बोलती है अब मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। तो श्रेया हंसने लगती है, बोलती है अच्छा जी मुझे जाना चाहिए, कहाँ जाऊँ मैं, लिविंग रूम में, क्योंकि डबल रूम तो आपने रखा नहीं है, ऐसे बोल के हंस के वहाँ से चली जाती है। तो रिद्धि बोलती है श्रेया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तो रिद्धि बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं खाना बना के आती हूँ, हाँ, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो रिद्धि की तबीयत अब तो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई होती है, वो सोचती है उसको ऐसा लगता है कि श्रेया अब जैसे नहीं समझेगी, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे बोल के वो श्रेया की मम्मी को कॉल लगाती है और उनको बोलती है आंटी अब श्रेया ठीक हो गई है पूरी तरीके से, आप इसको वापस ले जा सकते हैं और मैं इसकी टिकट भी करवा लेती हूँ, आप कल तक श्रेया पहुँच जाएगी वहाँ तक। तो श्रेया की मम्मी बोलती है बेटा सच में अब उसको पहले जैसे ऐसे मेरी बेटी नॉर्मल हो गई है ना, और सब ठीक है ना? तो रिद्धि बोलते हैं हाँ आंटी एकदम सब ठीक है, एकदम परफेक्ट है, अब आपकी श्रेया पहले जैसी होगी और मैं उसका टिकट भी कटवा दे रही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे बोलती है और कॉल कट कर देती है और अपने घर में भी बोल के ये सब बातें बोल देती है। और इन सब चीज़ों से अनजान श्रेया अपने दुनिया में एकदम खुशी खुशी रिद्धि के लिए नाश्ता बना रही होती है, एकदम मस्त मस्त खाना बना रही होती है। रिद्धि अपने रूम में नहा धो के बाहर आके ऐसे लंच करने लग जाती है। तो श्रेया एकदम अपने हाथों से रिद्धि को खाना खिलाने आती है। तो रिद्धि बोलती है श्रेया इन सब नाटक की ना कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हो चुकी हूँ, मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। तो श्रेया बोलती है ठीक है फिर अपने हाथों से तुम मुझे खिला दो, ऐसे बोल के वो बैठ जाती है। तो रिद्धि बोलती है श्रेया मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तुम भी अपने हाथों से खा सकती हो, मैं भी अपने हाथों से खा सकती हूँ, तो फिर ये ड्रामा नौटंकी क्यों, मुझे तो पता नहीं चल रहा है। तो श्रेया बोलती है अच्छा जी आपको पता नहीं चल रहा है, वो ऐसा है कि आई लव यू सो मच दैट्स वे आई
वॉन्ट टू ईट विथ यू। तो श्रेया की बात सुन के रिद्धि उसको घूर के देखती है और बोलती है, श्रेया ये ड्रामा हम बंद करें। थोड़ी श्रेया बोलती है, अच्छा जी मेरा प्यार आपको ड्रामा लग रहा है? हाँ, ऐसे बोल के उसके क्लोज आ जाती है और उसके चिक्स पे किस कर लेती है। तो रिद्धि उसको दूर कर देती है और बोलती है, श्रेया ये सब चीज़ें बंद करो। तो रिद्धि श्रेया बोलती है, अच्छा ये सारी चीज़ें बंद कर दूँ मैं? ओ हो, तो क्या चीज़ करे फिर? वो उस दिन जो किए थे वो वाली चीज़ करे? हाय उस दिन को तो मैं भूल ही नहीं पाती हूँ यार। और तुम इतनी ज़्यादा थकी कि बीमार हो गई उस चीज़ से? हाय क्या रोमांटिक नाइट थी यार, चलो ना आज भी करते, मेरा तो बड़ा मन हो रहा है। ऐसे बोल के वो रिद्धि के गोद में आके बैठ जाके उसके पूरे फेस पे से किस करने लगती है। तो रिद्धि उसको इस चीज़ देख के, रिद्धि को उस दिन की बात याद आ जाती है और उसके दिल में फिर से गिल्ट आ जाती है और वो श्रेया को खुद से अलग करने लगती है और बोलती है, तुम उठो, उस दिन जो हुआ था वो बस एक गलती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मैंने तुम्हारी टिकट बुक करवा दी है, तुम कल की फ्लाइट से जा रही हो वापस राजस्थान। ये चीज़ सुन के श्रेया को तो शौक ही लग जाता है। वो बोलती है, क्या मैं पागल हो गई हो? मैं नहीं जा रही यहाँ से कहीं। और उस दिन गलती, व्हाट डू यू मीन गलती? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दो, 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 दोनों ही एडल्ट है। और क्या 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 तुम्हारी मर्जी नहीं थी उस चीज़ में? क्या 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 तुमको अच्छा नहीं लगा वो सारी चीज़ जो हम दोनों के बीच में हुई? ऐसे कैसे बोल सकती हो रिद्धि? आई लव यू, आई लव यू सो मच, आई 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 रियली लव यू, ऐसे बोल के उसको हक करने लगती है। तो जैसे ही श्रेया रिद्धि को हक करती है, रिद्धि की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, उसको भी ऐसा मन करता है कि वो बैक हक करे। फिर वो दिल में सोचती है कि नहीं, मैं आज अगर कमज़ोर पड़ गई ना, हमेशा ये रिश्ता कंटिन्यू हो जाएगा और मैं ऐसा कि ना भाई को धोखा देना हो जाएगा और मैं ये नहीं कर सकती। ऐसे बोलती है और सोचती है और वो रिद्धि श्रेया को खुद से अलग करती है और बोलती है, श्रेया आई टेल यू वन थिंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। उस दिन बस गलती हो गई थी और बस 10 उतना ही बोलना था, देन तुम कल जा सकती हो। तो श्रेया बिल्कुल मानने को ले तैयार ही नहीं होती है। वो बोलते, मैं मान ही नहीं सकती, अगर तुमको मुझसे प्यार नहीं था तो ये केयर, मेरी इतनी कंसर्न क्यों? हाँ तो रिद्धि बोलती है, बस ऐसे ही, ऐसे इंसानियत के नाते। तो श्रेया ये सुन के उसके आंखों में आंसू आ जाती है और बोलती है रिद्धि को, तुम्हारे लाइफ में कोई है क्या? तुम मुझसे क्यों प्यार नहीं करती? क्या क्या कमी है मुझे में? हाँ तुमको तो लड़कियां भी पसंद है ना, तुम तो लड़की ही पसंद करती हो ना, फिर मुझ में क्या कमी है? ऐसे बोल के वो रिद्धि को पास फिर से जाती है। तो रिद्धि ऐसे हाथ दे के उसको रोक देती है और बोलती है, कमी तुम में कुछ नहीं है, बट आई कैंट बी विथ यू। तो श्रेया पूछती है, क्यों? तो रिद्धि बोलती है, नहीं बस नहीं रह होना है तुम्हारे साथ। तो श्रेया बोलती है, बस इसीलिए कि मैं तुम्हारे भाई की होने वाली बीवी थी। तो रिद्धि बोलती है, तुमको जो समझना है समझ लो। तो श्रेया बोलती है, क्या यार, बस एक बात लेके तुम हर हर चीज़, तुम बस उसी बात में टिक जाती है तुम्हारी, तुमको मेरा प्यार, मेरा क्या नहीं दिखता रिद्धि? क्या मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती थी बोल के मुझे ज़िंदगी में और प्यार करने का हक नहीं है? क्या मुझे जीने का हक नहीं है? ऐसे बोल के और टूट के बस रोने लगती है। तो रिद्धि उसके पास जाती है, उसको हक करती है और बोलती है, श्रेया सुनो, रीज़न यही नहीं है, तुम खुद खुश रह सकती हो, तुमको हर चीज़ का हक है, बट आई एम सॉरी, मैं वो चीज़ नहीं दे सकती तुमको जो चीज़ तुम चाह रही हो। ऐसे बोल के वो रिद्धि को उठाती है। तो रिद्धि श्रेया को उठाती है, तो श्रेया बोलती है, बट क्यों, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई है? ऐसे पूछने लगती। तो रिद्धि बोलती है, हाँ मेरे लाइफ में कोई है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और तुम उसको जानती हो। तो श्रेया बोलती, कौन है वो? हाँ कौन है वो जो तुमको मैं जानती हूँ और तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने देखा तक नहीं है? तो रिद्धि के मुंह से निकल जाता है, यशिका, यशिका मेरी गर्लफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों रिलेशनशिप में भी है, बट मैंने तुमसे ये बात नहीं बोली थी, आई एम रियली सॉरी। तो श्रेया इस चीज़ पर हंसने लगती है और बोलती है, यशिका क्यों झूठ बोल रही हो रिद्धि? तुमको मैं नहीं पसंद तो साफ साफ बोल दो ना, इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है?
तुमको मैं नहीं पसंद, ठीक है मैं चली जाऊंगी, अगर तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, बट देखना एक दिन तुम मुझे याद करके ना रोओगी पछताओगी, बट उस दिन ना मैं नहीं होंगी, देख लेना। ऐसे बोल के वो अपने रूम में चली जाती है और बस रोने लगती है और बोलती है कि ऐसे मैं रिद्धि को मनाऊँ, शायद मेरे दूर चले जाने से उसको रियलाइज़ हो कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। ठीक है अगर वो चाहती है ना मैं यहाँ से चली जाऊँ, ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊँगी, हमेशा के लिए चली जाऊँगी, मेरे जाने से अगर खुशी मिल रही है ना ठीक है मैं चली जाऊँगी यहाँ से। ऐसे बोल के वो अपने बैग पे रोते हुए करने लगती है और इधर बाहर रिद्धि भी रोने लगती है बहुत ज़्यादा। ऐसे ही उस दिन कट जाता है दोनों का रोने रोने में, और अगले दिन श्रेया की ना जाने की बारी होती है। श्रेया अपनी बैग पैक करके ना सुबह से बैठी होती है और रिद्धि सोई हुई होती है, तो रिद्धि जैसी उठती है देखती है श्रेया बैग पैक करके बैठी हुई है, तो रिद्धि अचानक से श्रेया को ऐसे देख के बोलती है सुबह सुबह कहाँ जा रही हो, तो श्रेया बोलती है जा रही हूँ जहाँ तुम भेज रही हो, तुम मुझे मेरे साथ रहना नहीं है ना, तुमको जा रही हूँ अब तुमसे दूर, अब खुश रहो तुम, क्या बोलूँ तुमको मैं, खुश रहो तुम। ऐसे बोल के वो दूसरे लिविंग रूम में चली जाती है और उसकी आंखों में पूरे आंसू होते हैं, एकदम भीगे भीगे उसकी आंखें होती है। रिद्धि उसके जाने के बाद वो भी रोने लगती है और खुद से बोलती है मैं तुमको मेरा बस चले तो मैं खुद से तुमको एक सेकेंड के लिए दूर ना होने दूँ यार, बट क्या करूँ मैं भी मजबूर हूँ, मैं नहीं धोखा दे सकती यार, जो रिश्ते मेरे जो मेरे बचपन से है मैं अपने घर वालों को मैं नहीं धोखा दे सकती, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ लूँ यार, बट मैं कैसे कैसे अपने मरे हुए भाई को मैं धोखा दे सकती हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे बोल के वो भी रोने लगती है बहुत ज़्यादा। ऐसे कुछ टाइम में श्रेया के जाने का टाइम भी हो जाता है और रिद्धि एकदम रोंदे रोंदे आंखों में अपने आंसू छुपाते हुए एकदम लाल लाल उसके आंखों ये होते हैं, और श्रेया का बैग पकड़ती है और बोलती है श्रेया तुम्हारे जाने का टाइम हो गया, तो श्रेया उसको देखती है और बोलती है रिद्धि आखिरी बार पूछ रही हूँ रोक लो मुझे, आई रियली लव यू, आई रियली वॉन्ट टू बी विथ यू, मुझे तुम्हारे अलावा ज़िंदगी में अब कोई नहीं चाहिए, आई रियली लव यू, मुझे रोक लो प्लीज रिद्धि, तो रिद्धि बोलती है बट आई डोंट लव यू, अब चलो तुम यहाँ से। ऐसे बोल के वो एक पकड़ के आगे आगे चली जाती है, तब श्रेया उसको देखती है ना बोलती है कितनी पत्थर दिल बनूंगी जब मैं तुम्हारे पास नहीं होंगी ना, तब तुमको रियलाइज होगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, सच में तुम तब समझोगी मेरा प्यार। ऐसे बोल के वो बिना कुछ बोले रिद्धि के पीछे पीछे चली जाती है, रिद्धि का ड्राइव करके एयरपोर्ट तक ले जाती है, पूरे रास्ते दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। एयरपोर्ट में जब रिद्धि उसको छोड़ती है श्रेया कुछ भी नहीं बोलती है, बस एक आखिरी बार रिद्धि को ऐसे हक करती है 5 मिनट तक बिना कुछ बोले बिना कुछ उससे पूछे, बस दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और श्रेया वहाँ से चली जाती है राजस्थान के लिए। रिद्धि की आंखों में भी आंसू होते, श्रेया की आंखों में भी आंसू होते, बट दोनों एक दूसरे को नहीं दिखाते अपने आंसू और वहाँ से चले जाते। रिद्धि वापस घर चली आती है और जैसे वो घर आती है ना उसको पूरा घर बस काटने को दौड़ता है, उसको समझ नहीं आता कि वो इस घर में श्रेया के बिना कैसे रहे, कैसे उसको जहाँ जाती है जहाँ बैठती है बस उसको श्रेया के साथ हंसता हुआ पल, उसका रोटना उसका मनाना उसको हर चीज़ ऐसे भी याद आ रही होती है। रिद्धि को इतना दर्द होता है ना वो एकदम जोर से चिल्लाती है बोलती है श्रेया आई लव यू श्रेया बट आई कांट बी विदाउट, आई कांट लिव विद यू यार, सॉरी आई एम रियली सॉरी, ऐसे बोल के वो रोने लगती है। दूसरी तरफ श्रेया पूरे फ्लाइट में बस उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे होते, वो दिल ही दिल में बड़ सोचती है मुझे तुम जल्दी बुलाओगे रिद्धि, मुझे पता है आई नो ऐसा ही होएगा। ऐसे बोल के वो खुद को संभाल रही होती है, खुद ही को दिलासा दे रही होती है और वो राजस्थान के लिए निकल जाती है। एक तो 3-4 घंटे में उसकी फ्लाइट राजस्थान में लैंड भी हो जाती है, जैसे राजस्थान में पहुंचती है वो अपने आंसू छुपाती है और फेस पे मेकअप कर लेती है और एक छोटी स्माइल लेके मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, जहाँ पे यश की फैमिली और रिद्धि की और श्रेया की फैमिली दोनों की फैमिली उसको लेने आ रही होती है, और श्रेया के होठों पे मुस्कान देखी वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसको सब हक करते प्यार करते और बोलते बेटा रिद्धि कैसी है, तो
उसको बोलते रिद्धि के नाम सुनते श्रेया की आंखों में आंसू आते हैं, बट वो अपने आंसू संभाल लेती है और बोलती है, आंटी वो तो एकदम ठीक है, परफेक्ट है आपकी रिद्धि, बहुत खुश है, आप सब लोगों को याद कर रही थी। उसने बोला है घर जाते ही सबसे बात करवाना, आप कर लेना आंटी, ऐसे बोल के वो दोनों से ऐसे हंसते खेलते मिलती है और वापस अपने घर चली जाती है। उसके घर में उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। जब वो खाने में बैठ रही होती है, उसको याद आता है कि रिद्धि कैसे अपने हाथों से खिलाती थी, वो कैसे उससे रूठ जाती थी, ऐसे वो कैसे वहाँ पे फ्री बर्ड थी, अपनी मर्जी जो करता था वो करती थी। बट यहाँ वापस आके पहल में उसकी लाइफ फिर से रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है उतनी, ये वो, और उसको ना हर चीज़ में फिर से उसकी मम्मी टोकने लगती है, बोलती है बेटा तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तुम ऐसे हंसा मत करो, बेटा तुम्हारा रिश्ता टूटा है, तुम ऐसे खुल के मत बात किया करो, तुम बाहर मत जाया करो, ऐसे हर दिन हर एक दिन रुकने के साथ उसकी मम्मी उसको ऐसे टोक रही होती है। और रिद्धि श्रेया हर बार बस रिद्धि को याद करती है, बोलती है रिद्धि देखो तुम्हारे बिना क्या हालत हो गया है मेरा, तुम कैसे मुझे ऐसे छोड़ सकती हो, प्लीज़ मुझे बुला लो, ऐसे बोल के वो बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही होती है। बट एक दिन भी जाता है, 2 दिन भी जाता है, 3 दिन भी जाता है, 1 वीक भी जाता है, बट रिद्धि का एक भी कॉल नहीं आता श्रेया को, ना ही एक टेक्स आता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और रिद्धि को कॉल कर देती है। रिद्धि श्रेया का नंबर देख के वो भी खुद को रोक नहीं पाती है और तुरंत से कॉल उठाती है और बोलती है हेलो, तो दूसरी तरफ श्रेया बस उसकी आवाज़ सुनती है और चुप रह जाती है, कुछ नहीं बोलती है। तो रिद्धि बोलती है श्रेया यू फाइन, ठीक हो तुम? तो श्रेया बस एक ही बात बोलती है, आई मिस यू, आई नीड यू, आई कांट लिव विदाउट यू। तो रिद्धि कुछ भी नहीं बोलती, कॉल काट देती है। इधर रिद्धि का भी सेम हालत हुआ होता है, वो श्रेया के बिना रह ही नहीं पा रही होती, उसको बहुत दर्द हो रहा होता है अंदर से, बट वो कुछ कर नहीं सकती, वो अपनी फीलिंग्स को मानने की कोशिश करती है और वो अपनी डेली लाइफ में बिजी होने की कोशिश कर रही होती है, बट उससे ये चीज़ हो ही नहीं रहा होता। वो ना चाहते हुए भी बार बार वो श्रेया को बस याद कर रही होती। रिद्धि के कॉल काटने से श्रेया का भी दिल एकदम टूट जाता है और वो अपना फ़ोन ही फेंक देती है बेड पे और बस रोने लगती है। अपना रूम अंदर से लॉक करके सिसक सिसक के श्रेया रोती है और बोलती है रिद्धि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, तुमको पता है मैं नहीं जी सकती अब तुम्हारे बिना, बिल्कुल नहीं जी सकती, ऐसे बोल के इतना रोती है कि बेहोश हो जाती है। उसको थोड़ी सी भी सेंस नहीं होता, ऐसे ही अपने रूम में पड़ी रहती है, सुबह से शाम हो जाती है, बट वो अपना रूम का डोर नहीं खोलती। तो इस बात से घबरा के ना श्रेया के घर वाले उसका डोर ऐसे तोड़ते हैं, मतलब किसी को बुला के खुलवाते हैं और डोर तो देखते हैं कि श्रेया एकदम बेहोश पड़ी है अपने रूम में। तो ऐसी हालत देखी श्रेया के मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि श्रेया को क्या हो गया, इसलिए वो डॉक्टर बुलाते हैं। डॉक्टर आता है, चेक करता है श्रेया को कि वो देखता है कि वो ठीक है कि नहीं, और श्रेया को ऐसा बेहोश देखे वो उसके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट लिखता है, बहुत ही सारे, और उन टेस्ट में एक टेस्ट होता है प्रेगनेंसी टेस्ट। जब ये बात है ना श्रेया के मम्मी डैडी सुनते हैं, वो डॉक्टर ऊपर बहुत चिल्लाते हैं, बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी बेटी तो अभी तक कुंवारी और आप लोग ऐसे टेस्ट लिख रहे हैं। तो डॉक्टर बोलता है मैं बस लिखा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस श्रेया प्रेग्नेंट ही हो सकती है, उसको और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, बस आप एक बार चेक कर लो, ऐसे बोल के उसका ब्लड सैंपल ले जाते हैं डॉक्टर और चेक करने के लिए भेज देते हैं। श्रेया को भी थोड़ी देर बाद ना होश आता है और जैसे ही होश आता है उसके घर वाले उसको ऐसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े प्यार से उसको खिलाते पिलाते हैं और बड़े प्यार करते हैं, बोलते क्या हुआ कैसे हुआ और तुम इतना अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, इतनी कमज़ोरी क्यों है ये, रिद्धि तो बोली थी तुम अब ठीक हो बट ये क्या है, ये क्यों तुमको इतने बार बार चक्कर आ रहे हैं रिश्रेया, ऐसे बोल के उसकी मम्मी उसको डांटती भी और कंसर्न भी करती है। तो रिश्रेया अपनी मम्मी का कुछ नहीं बोलती, कुछ भी आंसर नहीं देती, क्योंकि उसको रिद्धि की इतनी याद आ रही होती है कि उसको किसी से बात करने का मन भी नहीं होता। अगले दिन रिद्धि को वो फिर से कॉल लगाती है, बट रिद्धि इस बारी कॉल नहीं उठाती है। तो श्रेया एकदम बहुत ज़्यादा दुखी होकर अपने गार्डन के झूले में बैठी होती है। उसी टाइम पे डॉक्टर का रिपोर्ट आता है श्रेया के घर, जो ब्लड
ब्लड उसने टेस्ट करवाई होती है, उसके अनजाने में उसके घर वालों ने करवाई होती है, उसके रिपोर्ट आते हैं, और उसकी रिपोर्ट देख के ना श्रेया के घर वाले एकदम शॉक हो जाते हैं, और श्रेया के पापा जैसे देखते हैं ना, उनका गुस्सा तो सातवें आसमान में चढ़ जाता है। वो उसकी मम्मी के ऊपर चिल्लाते और बोलते, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही बेटी है, उस पर तुम ध्यान नहीं दे सकती, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन है, कौन है, किसने किया ऐसा, ऐसे बोल के बुलाओ श्रेया को, ऐसे बोल के बहुत गुस्से से वो लोग श्रेया को बुलाते हैं। श्रेया इन सब की बातें सुन के खुद ही घबरा के अंदर आती है और बोलती, पापा क्या हुआ, अरे आप यू फैन, आप मम्मी क्या हुआ, आप ठीक हो, सब ठीक है, क्या हुआ? तो श्रेया के पापा एकदम गुस्से में श्रेया के ऊपर थप्पड़ उठा देते हैं और बोलते हैं, हम ठीक है, बट तुम ये कैसे कर सकती हो श्रेया, कौन है वो, कौन है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तो ऐसे बोल के बहुत गुस्सा होते हैं और श्रेया के ऊपर दो चार थप्पड़ और लगा लेते हैं और बोलते, तुमने तो हमारी इज्जत मिट्टी पे मिला दी, अब किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, महाराजा की बेटी जो कि राजकुमारी, इस महाराजा रुद्र प्रताप की बेटी ऐसी निकली, लोगों को पता होगा तो चलेगा तो क्या बोलेगा, एक तो शादी के दिन लड़का मर गया, तुम्हारा दूल्हा मर गया, और अब तुम माँ बनने वाली हो, वो भी किसके बच्चे का, तुम बताओ श्रेया कौन है वो? ऐसे बोल के श्रेया के ऊपर और हाथ उठाने लगते हैं, तो उसकी माँ बीच में आ जाती है। वो श्रेया जैसे सुनती है ना कि वो माँ बनने वाली है, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, उसको वाली रात याद आती है जो वो यश के साथ बिताई हुई होती है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, उसकी आंखों में आंसू ही निकल जाते हैं और वो गिर जाती है अचानक से नीचे और बस रोने लगती है। तो उसके पापा बोलते, अब रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बोलो कौन है वो, किसका बाप है ये, ऐसा बोल के उसको डांटने लगते। तो श्रेया बोलती है, पापा ये यश का बच्चा है। तो ये तो उसके पापा ये सुन के बोलते हैं, एक मरे हुए इंसान पे तुम इल्जाम लगा रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसकी और तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई थी, तो फिर तुम्हारा उसका बच्चा ये कैसे हो सकता है, क्यों झूठ बोल रही हो एक भले इंसान पे, ऐसे बोल के और चिल्लाने लगते। तो श्रेया बोलती है, पापा मैं सच बोल रही हूँ, ये यश का बच्चा है। तो जब ये बात वो प्रताप सर सुनते हैं, तो वो श्रेया के पापा सुनते हैं, तो वो एकदम बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हैं और बोलते हैं, ये बात ना घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, और कितना मंथ हो रहा है चेक करो, जल्दी रिपोर्ट चेक करो। तो उसमें होता है 3 मंथ हो रहा है, उसमें लिखा होता है, तो ये चीज़ देख के और गुस्सा हो जाते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, डॉक्टर को कॉल करो और इस बच्चे को गिराने की कोशिश करो, और श्रेया आज के बाद घर से बाहर जानी नहीं चाहिए, इसके लिए जो लड़का मिलेगा, जैसा लड़का मिलेगा, हम उसके साथ इसका शादी कर देंगे, और ये बात कानों कान, एक कान से दो कान जानी नहीं चाहिए, और ये बात उनको भी पता, और उनको पता है, उनको बताने से भी क्या होगा, जो लड़का मर चुका है उसके, उसको एक्सेप्ट करेंगे ये लोग, तुमको ही चरित्रहीन बोलेंगे, हमारी लड़की ही बदनाम होगी, तो ये बात बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे बोल के बड़े गुस्से होते। तो श्रेया की मम्मी बोलती है, इसको 3 मंथ हो गया, अब अगर हमारी बच्ची का ऑपरेशन करवाएंगे तो उसकी जान को भी खतरा होगा, इससे अच्छा हम यश के घर वालों को इस चीज़ के बारे में बोलते हैं। तो श्रेया के पापा बोलते, क्या बोलोगी, हाँ कि हमारी लड़की चरित्रहीन है, हमारी लड़की उनके बचरे हुए बच्चे की माँ बनने वाली है, हमारी बदनामी होगी, लोग थूकेंगे हम पे, आपको कुछ सेंस है कि नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसा बोल के उसके माँ को भी डांट देते हैं, और उनकी ये बात सुन के श्रेया एकदम रोने लगती है। उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं और उसकी माँ को बोलते हैं, कल जैसे भी श्रेया के लिए अपॉइंटमेंट निकालो, चाहे श्रेया मर जाए बट ये बच्चा जिंदा नहीं रहना चाहिए, हमारी बेटी मरती है तो मरे बट हमारी इज्जत पे आंच नहीं आना चाहिए, ऐसे बोल के वो उसकी माँ को बोलती है, वहाँ से चले जाते हैं। तो श्रेया की माँ भी श्रेया के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमको एक बार भी हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, दुनिया भाषण देते हैं बट श्रेया है कि बस रो ही जा रही होती है, श्रेया को समझ नहीं आ रहा होता, वो ये बच्चे को भी खोना नहीं चाहती क्योंकि उसके दिल में यश के लिए थोड़ा प्यार तो अभी भी बाकी होता है, और ये यश की आखिरी निशानी है, और वो कैसे हम उसको मार दे जबकि वो उसी का बच्चा है, उसी उसी के कोख में फल रहा है। और वो श्रेया बोलती है, हाँ ये बात बतानी चाहिए हमको यश के घर वालों की बालों को कि उनकी आखिरी निशानी, उनका उनका अंश मेरे पेट में पल रहा है, हम ऐसे कैसे मार सकते हैं। तो उसकी माँ भी उसके ऊपर बहुत डांटती है और बोलती है, तूने जो गलती की
अभी ये बात ना बाहर आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चाहे तुम मर भी जाओ, बट ये बच्चा ना अब जिंदा नहीं रहेगा, ऐसे बोल के वो उसको बहुत डांटते और रूम में ले जाके लॉक कर देते। श्रेया बहुत रोती है, वो दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो बहुत रोती है, बट उसकी बातें कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। तभी श्रेया को इतना ज़्यादा रोना आता, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे, तो वो रिद्धि को कॉल लगाती है, बट रिद्धि भी कॉल नहीं उठा रही होती, वो बार बार रिद्धि को कॉल लगा रही होती है, बट रिद्धि उसका कॉल देख तो रही होती है, बट उसको ऐसा लग रहा होता है कि श्रेया फिर से वही बोलने के लिए कॉल कर रही है, इसीलिए वो कॉल भी नहीं उठाती। तो श्रेया एक मैसेज उसके पास ड्रॉप कर देती है, बस आई एम प्रेग्नेंट, और वो अपना फोन स्विच ऑफ करके बस रोने लगती है। सो फ्रेंड, अब तक के लिए इतना ही, देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है, रिद्धि श्रेया को बचा पाती है या श्रेया की जान ऐसे ही चली जाती है ओशन में। जानने के लिए बने रहिए हमारी स्टोरी में, और आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज स्टोरी को कर दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।